नमस्कार, मैं धीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास की श्रृंखला में आज का ये लास्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे सभी क्वेश्चन मिसलेनियस के होंगे, यानी विविध के क्वेश्चन होंगे। विविध का मतलब आप सभी को पता होगा कि विविध का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी होंगे वो सभी लीक से हट के होंगे, यानी कोई भी एक टॉपिक के नहीं होते, सभी उसमें मिक्स क्वेश्चन जो आएंगे वो विविध में आते हैं। तो विविध वाले क्वेश्चन मतलब जो कैलेंडर में क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम विविध के रूप में वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सन 1101 से सन 1500 के बीच 29 तारीख वाली फरवरी कितनी बार आएगी। 29 तारीख फरवरी कहिए या तो आप कह दीजिए इसको लीफ ना, क्योंकि फरवरी जो होगी अगर 29 की है इसका मतलब वर्ष हमारा कैसा है, लीफ है। तो देखो पहले इसको कैसे से हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये जानिए कि अगर अगर हम 100 वर्ष में आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताइए 100 वर्ष में फरवरी जो होगी वो कितनी बार लीप होगी, या फरवरी हमारी जो होगी कितनी बार 29 की होगी, तो ऐसे कितनी बार आएगी बताओ, 24 आएगी। ठीक है, अगर कोई 100 वर्ष का पूछे तो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 400 साल में ठीक है फरवरी जो होगी हमारी कितनी बार आएगी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या कर से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1101 से लेकर 1500 के बीच में, ठीक है, तो इसको हम अगर 100 के फॉर्म में अगर हम ब्रेक कर लें इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा निकालना आसान होगा। ठीक है, देखो अगर हम ये कर लें यहाँ पे कि 1101 से लेकर 1200, क्योंकि वर्ष कितने हो गए बताओ, 100। देखो जब दोनों काउंट आप मैथ में पढ़े होंगे, किसमें मैथ में आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि अगर दोनों काउंट होते हैं, यानी ये भी काउंट होगा ये भी काउंट होगा, तो यहाँ पे एक संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1100 से लेकर 1200, तो यहाँ पे 101 वर्ष होता। लेकिन यहाँ पे अगर हमने लिखा कि 1101 से लेकर 1200, तो वर्ष कितने होंगे, 100 वर्ष। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे एक नियम थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि अगर इन दोनों में से यानी ये वर्ष और ये वर्ष, अगर दोनों में से कोई अगर लीप है तो उस कंडीशन में हमारे 24 लीप ना आकर कितने आते हैं, 25 आते हैं। यानी फरवरी जो 29 वाली होगी वो कितनी बार आएगी, वो आएगी 25 बार। तो ध्यान देखो पहले, क्या 1101 क्या लीप है, नहीं लीप है, लेकिन 1200 लीप है, क्योंकि 1200 400 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब इस दोनों में से ये क्या है, ये लीफ है, और अगर ये लीफ होगा तो अब 29 की जो फरवरी होगी वो 25 बार आएगी। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसकी बात हम फिर करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 100 वर्ष में कितना आएगा, यानी 1101 से लेकर 1200 के बीच में जो 29 वाली फरवरी है वो 25 बार आएगी। उसके बाद 1201 से लेकर के 1300 के बीच में, 1300 के बीच में अब देखो इन दोनों में से कोई लीप नहीं, ना तो ये लीप है ना तो ये लीप है, तो फरवरी कितनी बार आएगी यहाँ पे 29 वाली, 24 बार आएगी। तो ऐसे ही निकालेंगे 1301 से लेकर के कहाँ तक, 1400, इन दोनों में कोई क्या लीप है, नहीं लीप है, तब भी यहाँ पे फरवरी 29 वाली कितनी आएगी, 24 बार आएगी। ऐसे ही 1401 से लेकर कहाँ तक आएंगे बताओ, 1500, क्योंकि 1500 पूछा है क्या इन दोनों में कोई लीप है, नहीं लीप है, तो यहाँ पे फरवरी 29 वाली कितनी बार आएगी, 24 बार। अब इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा बताओ, 97, कितना आएगा, 97, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 97 बार। ठीक है, आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हो कि 400 वर्षों में जो फरवरी होती है हमारी 29 वाली फरवरी कितनी बार आएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 97 आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक में या इस यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन हो तो उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होंगी। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी है। ठीक है, सोमवार को भी छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी है। तो कह रहा है कि यदि वह माह सोमवार से शुरू हो रहा है, अब देखो ध्यान से, अगर सोमवार से शुरू होगा, कोई भी मंथ सोमवार से शुरू होगा, तो एक छुट्टी कब होगी, सोमवार को हो जाएगी, है ना,
यानी इसको मान लेते हैं कि सोमवार जब शुरू होगा तो दिन डेट क्या रही होगी, 1 तारीख रही होगी। अब यहाँ पे हम 7 प्लस करेंगे तो सेम डे आता चला जाएगा, यानी 1 में आप 7 प्लस कर दोगे तो फिर क्या आएगा बताओ, यहाँ पे फिर 8 तारीख को फिर क्या पड़ेगा, फिर सोमवार पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 तारीख को फिर सोमवार पड़ेगा। फिर 7 ऐड कर दोगे तो फिर कितना आ जाएगा बताओ, 22, 22 को फिर क्या पड़ेगा, सोमवार। फिर 7 ऐड कर दोगे यहाँ पे तो फिर कितना आ जाएगा, 29, और 29 को फिर क्या पड़ेगा, सोमवार। अब देखो ध्यान से, सोमवार कितने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, छुट्टी कितनी हो गई, 5 छुट्टी तो ऐसे ही हो गई, लेकिन संडे को भी छुट्टी है। अब 1 तारीख के पहले वाला तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि मंथ हमारा दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे संडे को लेना नहीं है। लेकिन जो 8 तारीख है, इस 8 तारीख के जो पहले एक संडे जो पड़ रहा है वहाँ भी छुट्टी हुई है, तो एक छुट्टी यहाँ पे हुई है, ठीक है, एक छुट्टी एक्स्ट्रा यानी यहाँ पे संडे वाली हुई, एक छुट्टी यहाँ पे इसके पहले जो आया संडे वहाँ भी हुई, एक छुट्टी यहाँ पे हुई, एक संडे जो आया यहाँ पे, और एक छुट्टी यहाँ भी हुई जो संडे आया। तो 5 तो सोमवार पड़ गए, लेकिन संडे कितने पड़ेंगे बताओ, 4। तो 5 + 4 बराबर कितना होगा, 9 छुट्टियाँ उस माह में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सबको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक केवल 6 दिन हो तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार है। अब देखो, अभी तक ऐसे अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारे यहाँ पे एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, इसलिए उसको हम 7 से डिवाइड भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रविवार को हटा दिया जाए, अगर रविवार को हटा दिया जाएगा तो अब बताओ दिन कितने होंगे, 6। तो जहाँ पर हम 7 से डिवाइड करते थे, अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक सप्ताह में सोमवार से लेकर सिर्फ शनिवार ही बच रहा है, रविवार को हटा दिया जा रहा है, इसका मतलब दिन कितने बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को क्या है, सोमवार, और यहाँ पे कह रहा है कि वो मंथ कैसा है, लीप है, मंथ लीप अगर होगा तो फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। ये बात दिमाग में आपके आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लीप में फरवरी कितनी होगी, 29 की होगी। आपसे पूछ रहा है कि 19 दिसंबर को दिन क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस एक ही वर्ष की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम आराम से और डे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 फरवरी बीत चुकी है, तो बचा कितना, अभी दिन कितने बच रहे हैं, अभी दिन बच रहे हैं हमारे 28, ठीक है। देखो यहाँ पे या तो आप एक दिन छोड़ो, या इसको आप काउंट करोगे तो यहाँ पे एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको छोड़ रहे हो तो इसको आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आप काउंट करो तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यानी 1 फरवरी बीत चुकी है, तो पूरे फरवरी में दिन कितने हैं, 29, तो बचे कितने हैं, 28, 28 बच गए। अब आ जाएगा मार्च, मार्च कितने का होता है बताओ, मार्च होता है हमारा 31। उसके बाद आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई में दिन कितने होते हैं बताओ, 31। मई के बाद क्या आएगा, जून, जून में दिन कितने होते हैं, 30, ठीक है। जुलाई में कितने होंगे, 31। अगस्त में कितने होंगे, 31। सितंबर में कितने होंगे, 30। सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होंगे, 31। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, नवंबर, नवंबर कितने का है, 30 का। और फिर क्या है, 19 दिसंबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। या इसको चाहो तो आप जोड़ करके डिवाइड्स कर दो, कितना, 6। और जो आएगा उसी में हम क्या करेंगे, क्योंकि डे हमारा जो है आगे का पूछ रहा है, तो सोमवार में ऐड कर देंगे। या इसको और सरल करने के लिए आप 6 से डिवाइड करते जाओ, जो शेष फल है उसको लिखते जाओ ऊपर। देखो 28 में 6 से डिवाइड करोगे, शेष फल कितना आएगा बताओ, तो शेष फल यहाँ पे आ जाएगा 6 × 4=24, शेष फल कितना आएगा बताओ, 4, शेष फल कितना आएगा, 4, 6×5=30, शेष फल यहाँ पे 1, 6×5=30, शेष फल 0, 6×5=30, शेष फल 1, 6×5=30, शेष फल 0, 6×5=30, शेष फल 1, यहाँ पे शेष फल 1, यहाँ पे शेष फल 0, यहाँ भी शेष फल 1 आएगा, यहाँ शेष फल 0, यहाँ पे शेष फल 1 आएगा। अब जो यहाँ पे शेष फल बचे उनको जोड़ लीजिए, ठीक है। देखो 4, 1, 5, 1, 6, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 3,
चार, कितना बचा चार। और भी हमारा आगे का है तो सोमवार में क्या करेंगे, चार दिन ऐड कर देंगे। और सोमवार में चार दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्या जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे करना है आपको समझ में यहाँ पे बिल्कुल आ गया, क्योंकि छः दिन है तो छः दिन इसलिए हम छः से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कैसा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप हो तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है। अब क्या करोगे देखो ध्यान से, अभी हम आपको बताए थे कि अगर हमको लीप वर्ष निकालना है कि कितने उसमें लीप हैं, तो क्या करते हैं बताओ, चार से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक चार वर्ष में एक बार लीप आता है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक चार वर्ष में नहीं होगा, क्या होगा प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय क्या होगा, प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे दो से डिवाइड करना पड़ेगा लीप वर्ष निकालने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा, और आपको दिया है कि 1 जनवरी 2020 को दिन कैसा है, शनिवार। कुछ नहीं, बस क्या करना है, निकाल लेना है। वही बात तो है, 1 जनवरी को हम देखते हैं कि दिन क्या होगा, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं, बस बदलाव क्या होगा, तो ये बदलाव होगा, ठीक है। 1 जनवरी है, क्या है लीफ है, हाँ लीफ है, तो इसका कोड क्या होगा, जनवरी का जीरो होगा। सेंचुरी कितना आएगा बताओ, सॉरी ईयर्स कितने आएंगे, 20। अब लीप ईयर्स में निकालने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप है, तो हम लीप निकालने के लिए जो चार से डिवाइड करते थे, तब क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। तो लीप कितना आ जाएगा बताओ, 10। सेंचुरी कोड कितना आएगा, जीरो, सॉरी कितना आएगा, 6। अब डिवाइड कैसे करना है, 7 से, क्योंकि दिन में कोई दिक्कत नहीं है, 7 से डिवाइड करोगे तो 6 कितना हो गया, 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 दूनी 14 कितना बचा, 6। यहाँ पे 7 इकन्दम 7 कितना बचेगा, 3। 6 3 9, और 7 से डिवाइड करो, शेष फल कितना आएगा, 2। 2 पे दिन क्या होता है बताओ, सोमवार। 2 पे कितना होता है, सोमवार, लेकिन लिख क्या रहा है बताओ, लिख रहा है शनिवार। इसका मतलब ये है कि शनिवार कोड कितना होता है, 0। यानी यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, -2 हम कर रहे हैं, ठीक है। सोमवार शनिवार को रियल निकालने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वही परिवर्तन नी से, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका 1 जनवरी 2051 का रियल डे क्या है, इसमें डे क्या है, 1। क्या 51 लीफ है, नहीं, तो कोड हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ईयर्स कितने आएंगे, 51। लीप ईयर्स कैसे निकालोगे, 51 में 2 से डिवाइड करोगे तो लीप ईयर्स कितना आएगा, 25। 25 शेषफल, सेंचुरी कोड कितना आएगा, 6 आएगा। डिवाइड करो 7 से, तो 6 कितना हुआ, 7। 7 × 49 कितना बचा, 2। 7 × 21 कितना बचा, 4। 4 × 2 = 7 क्या हुआ, 0। और 0 पर क्या आएगा बताओ, शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। अब ध्यान से देखो, जो -2 ऊपर किए हैं वही -2 नीचे करेंगे। शनिवार में 2 दिन पीछे आओगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताइए, आ जाएगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों, आप सभी को जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे क्या है मिसलिनियस क्वेश्चन और कैलेंडर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी टॉपिक बच रहे हैं, अगर कुछ बच रहे हैं तो आप सभी लोग कमेंट में करिएगा कि हाँ सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको करवा दूंगा। और मुझे लग रहा है कि कोई टॉपिक बच नहीं रहा है, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें जो भी होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।